हर वर्ष अगस्त से सितंबर के बीच होने वाली मां नंदा की जात यात्रा की कुछ झलकियां दोस्तों देवभूमि इंडिया आप लोगों तक पहुंचा रहा है। आप देख पाएंगे कि किस तरह से मां नंदा की प्रसिद्ध यात्रा जो जात यात्रा हर वर्ष निकलती है उसकी कुछ झलकियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी आज की वीडियो में। और साथ में आपको बता दूं हर 12 से 13 वर्ष के बीच मां नंदा की प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा निकलती है और मां नंदा को उत्तराखंड की कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों इस ऐसी ही कुछ जानकारी हम मां नंदा के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उनके इतिहास से जुड़ी हुई। इस वीडियो में मैं आपको मां नंदा की कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ जो नंदा राजजात यात्रा निकलती है उसकी कुछ झलकियाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी संस्कृति से जुड़ सकें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। Yeah, I know.
छोटी सी झलकी माँ नंदा की राजजात यात्रा की। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे माँ नंदा से जुड़ी हुई कुछ प्रसिद्ध जानकारियाँ, माँ नंदा के इतिहास के बारे में, उनकी यात्रा जो निकाली जाती है उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध जो देवियों के मंदिर हैं हमारे उत्तराखंड में, उनके बारे में, प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, माताओं के मंदिरों के बारे में मैं इस सीरीज में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय देवभूमि, जय हिंद।